नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं खबरी टीवी। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। यहां कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई, जिसे पीछे से आ रही एक मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में अब तक बताया जा रहा है कि 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। सुबह 9 बजे के आसपास का ये हादसा बताया जा रहा है और जो तस्वीरें मौके से सामने आई है वह बेहद डरावनी है, दिल दहला देने वाली है। आप देख सकते हैं कैसे खिलौने की तरह ही ये जो ट्रेन की बोगी है वह हवा में उछल गई, हवा में खड़ी है और यहाँ वहाँ जो मालगाड़ी के 2 पुत्र थे जो डिब्बे थे वह बिखरे पड़े हैं। और जैसे ये हादसा हुआ वहाँ पर चीख पुकार मच गई और बड़ी संख्या में दोस्त था तुरंत मौके पर आए और स्थानीय प्रशासन के जो अफसर थे वह भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ जल्द शुरू कर दिया गया। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन इस हादसे ने रेलवे की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और यह हादसा हुआ कैसे, इसकी वजह क्या थी, यह अब तक ये जांच का विषय है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी रेलवे के अफसर हैं, उनकी तरफ से दी गई है, उनका ये कहना है कि दरअसल जो लोको पायलट था उसने सिग्नल की अनदेखी की थी, जो मालगाड़ी का दूर चालक था उसने सिग्नल की अनदेखी की थी और इस वजह से पैसेंजर ट्रेन की सबसे पीछे का जॉब गार्ड का जॉब डिब्बा होता है वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त इस हादसे में हो गया और आप मालगाड़ी का जो ड्राइवर था उसकी भी मौत हो गई इस हादसे में। और साथ ही जो एक जुगाड़ वाले डब्बे में जो शख्स सवार था, जो गार्ड जिसे कहते हैं, उसकी भी इस हादसे में जान चली गई है। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने ये बताया है, ये जानकारी दी है कि किस वजह से हादसा हुआ आपको सुनवा दें। उन्होंने क्या कहा, गाड़ी रोकने चाहिए, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रुकने के लिए, तो शुरुआती जांच में प्रथम दृष्टया यह मानवीय चूक का मामला लग रहा है। रेलवे अफसरों के मुताबिक हालांकि घटना की जांच पूरी विस्तृत कराई जाएगी और उसके बाद और अगर उसके कोई कारण होंगे तो वह सामने आएंगे। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे के आसपास हादसा हुआ था, जब आप जो कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से पश्चिम बंगाल के सियालदह जा रही थी, ट्रेन का नंबर था 13174 और पीछे से एक मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी, जिस वजह से जो ट्रेन के डिब्बे थे बूटी रंग हो गए। और किस तरह का मंदिर वहां पर था या फिर तस्वीरों में लगातार देख ही रहे हैं, एक डरावना मंदिर, भयावह मंजर और ट्रेन के डिब्बों टकराए थे, उनके परखच्चे उड़ गए और अब तक जो डेथ टोल है इस मामले में वह 15 बताया जा रहा है, लेकिन आशंका ये बढ़ भी सकती है। इस पर तमाम अपडेट्स आपको खबरी टीवी पर दिखाते रहेंगे।